हेलो फ्रेंड्स, एसडी चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए, आज मैं बहुत ही सुंदर डिजाइन बताऊंगी आपको। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। आप वीडियो को अंत तक देखिए, फिर आपको पता चलेगा ये कैसे बनाया गया है। ये देखिए, पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद हम फोर रो सिंपल डालेंगे इस प्रकार से। फोर रो सिंपल डालेंगे, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से, जैसे डालते हैं। ये हमारी सीधी रो कंप्लीट हो गई। अब आप डालेंगे हम उल्टी साइड की। उल्टी साइड से हम उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे ऐसे। बहुत ही आसान डिजाइन है और बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए आप, ये फोर रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब आगे देखिए कैसे बनाना है। ये डिजाइन हमारा 3-3 का मल्टीप्लाई किया गया है और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे गए हैं। ये देखिए, एक फंदा स्लिप करेंगे, सेकंड वाले फंदे पर इस प्रकार से बनाएंगे। ऐसे करके यहाँ से लेंगे और एक फंदा एक्स्ट्रा निकालेंगे, फिर दूसरा फंदा इस प्रकार से घुमाएंगे। और अब देखिए, 2 फंदे यहाँ पर हमारे एक्स्ट्रा हो गए हैं। अब 3 फंदे एक साथ लेंगे। ये देखिए, 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 फंदे का एक बना देंगे ऐसे। फिर से इसी प्रकार बनाएंगे कि फर्स्ट फंदे के पीछे से एक एक्स्ट्रा फंदा लेंगे, फिर एक लूप डालेंगे, फिर पीछे से इस प्रकार से सिलाई लेकर 3 फंदे एक साथ लेंगे और इस तरह से तीनों को एक साथ बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी प्रकार से कंप्लीट करनी है। एक फंदा इस प्रकार निकाला, दूसरे फंदे की ऐसी लूप ली और अब 3 फंदे एक साथ ऐसे एक साथ लेंगे। ये देखिए, 3 फंदे एक साथ बुने, फिर ऐसे ही एक लूप ली, एक, ये देखिए, तीनों फंदे एक साथ। इस प्रकार से हमें अपनी पूरी रो कंप्लीट करनी है। थ्री फंदे हैं ऐसे, एक बार ऐसे बुना, दूसरी बार ऐसे लूप लेंगे और तीसरी बार में 3 फंदे एक साथ लेंगे। वापिस हमारे 3 फंदे बन जाएंगे। ये देखिए, एक बार यहाँ से लेंगे, दूसरी बार ऊपर से लिया धागा और तीसरी बार में 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। ये देखिए आप ऐसे, और तीनों को गिरा देंगे। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो थी। अब सेकंड रो, ये देखिए, उल्टी साइड उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे ऐसे बुनकर।
उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। बहुत इजी डिजाइन है ये, देखिए उल्टी साइड कंप्लीट हो गई। अब सीधी साइड से देखिए, ये इस प्रकार से हमारा डिजाइन बनकर तैयार होगा। अब दोबारा ये देखिए, ये यहाँ थ्री फंदे हैं फर्स्ट रो के, तो इनमें से हम टू फंदे सिंपल बुनेंगे। ऐसे टू फंदे सिंपल बुनने के बाद फिर से इसी प्रकार से एक फंदा एक्स्ट्रा बनाया, फिर एक लूप लिया और अब थ्री फंदे एक साथ लेकर इस प्रकार से बुने। ये देखिए जैसे फर्स्ट रो में डाला था उसी प्रकार डालना है, लेकिन हमने फंदे चेंज किए हैं। ये देखिए एक बार ये यहाँ से डालेंगे ऐसे, फिर एक लूप लेंगे, फिर तीन फंदे एक साथ लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए इन तीनों को छोड़ देंगे, फिर से लूप लिया, ये देखिए आप ये फोर रो डिजाइन की हैं, लेकिन थर्ड रो बनाते समय डिजाइन की आगे के दो फंदे हम सिंपल बुनेंगे और एक फंदा हमारा पीछे बच जाएगा, ये भी हम सिंपल बुनेंगे। इस प्रकार से ये डिजाइन बनकर तैयार होगा। अब आगे देखिए हम उल्टी सिलाई उल्टा कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से, उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे। अब इसके ऊपर फिर से हमें फोर रो डालनी है। और ये डिजाइन हमारा किस प्रकार बनकर दिखाई देगा ये देखिए आप। अब इस डिजाइन के ऊपर हम फोर रो इसी प्रकार से सिंपल डालेंगे, ये देखिए कैसे बनेगा, ये देख सकते हैं आप, ये बनकर इस प्रकार से दिखाई देगा। कितना सुंदर बना है, पटिया भी डाल सकते हैं आप टू कलर में भी। और ये देखिए अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।